प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल थर्टी फोर इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस डिफरेंट ज्योग्राफिकल करैक्टर्स एंड यूज ऑफ दिस ज्योग्राफिकल करेक्टर्स इन स्पीशीज आइडेंटिफिकेसन अगर हम डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जोग्राफिकल रेंज के हवाले से वेरिएशंस की बात करें तो एक स्पीशीज जो है जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो नीच है वो फंडामेंटल या रियलाइज नीच हो सकती है एक्चुअली एक स्पीशीज़ जो है उसकी जो पोटेंशियल रेंज होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है किसी एक ख़ास एरिया के अंदर और अपनी लाइफ का ज़्यादा हिस्सा वहीं पे गुजारता है वहीं पे वो मुख्तलिफ ऑर्गजम्स के साथ इंटरक्ट करता है जोग्राफिकल रेंज के साथ साथ के जो करेक्टर्स हैं उनके अंदर भी चेंज आता है अब इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं इकोलॉजिस्ट बेसिकली इस चीज की स्टडी करते हैं कि एक organism, जब उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज होती है तो क्या उसके अंदर डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं उसके अंदर भी कोई वेरिएशन आती है या नहीं फिर ज्योग्राफिकल एरिया चेंज होने से जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर करेक्टर्स का चेंज आता है उसको वो एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं कि आइदर दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल एरिया और ड्यू टू सम अदर रीजन अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंज आती हैं वो डिफरेंट रीजन्स की वजह से आ सकती हैं क्योंकि जब जोग्राफिकल एरिया चेंज होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स भी चेंज होते हैं फॉर एग्जाम्पल जोग्राफिकल एरिया के साथ टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आती है जब टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आती है तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर उस टेम्परेचर चेंज की वजह से बहुत सारी चेंजेस आती हैं इसी तरीके से लाइट की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी वेरी कर सकती है इसके साथ साथ बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स और हैं जिसकी वजह से ऑर्जम्स के अंदर चेंजेस आ सकती हैं तो एक इकोलॉजिस्ट जो है बेसिकली इन चीज़ों की स्टडी करता है कि जो इकोलॉजिकल वेरिएशन या जो जोग्राफिकल वेरिएशंस हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑर्जम्स के अंदर मुख्तलिफ करैक्टर्स के अंदर जो चेंज है और उन चीज़ों के अंदर वो कोलेशन फाइंड करते हैं बेसिकली जितने भी बड़े बड़े नामी ग्रामी जो, जो जोलॉजिस्ट हैं वो अच्छे टेक्सोलॉमिस्ट भी हुआ करते थे इसी वजह से वो आसानी से जोग्राफिकल जो चेंज है उसकी वजह से करैक्टर्स के अंदर जो चेंज आती थी उसको आइडेंटिफाई कर पाते थे और इन करैक्टर्स को यूज़ करते हुए वो स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते थे अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम स्पीसीशन की बात करें तो जोग्राफिकल एरिया के साथ ऑर्जम्स के अंदर चेंज आती है इसके साथ साथ ऑर्गम्स के अंदर टाइम के साथ भी चेंज आती है हमने दो किस्म की स्पीसीएशन के बारे में पढ़ा एक एलोपैट्रिक स्पीसीशन और सपैट्रिक स्पीसीशन एलोपैट्रिक स्पीसी जो है इसके अंदर एक परमानेंट बैरियर आता है जिसकी वजह से एक जो कंटिन्यूस पॉपुलेशन है वो दो पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड हो जाती है और पैसेज ऑफ टाइम ये जो दोनों पॉपुलेशन है इनके अंदर डिफरेंसेस आते रहते हैं और एक लंबे अरसे तक अगर ये दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे से नहीं मिल पाती तो एक वक्त ऐसा आता है कि इन दोनों पॉपुलेशन के अंदर इतने ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं कि दीज टू पॉपुलेशन आर कंसिडर्ड डिफरेंट स्पीशीज इसके मुकाबले में जो सिंपेट्रिक स्पीसीशन है इसके अंदर कोई परमानेंट बैरियर नहीं आता और स्पीसीएशन विदाउट बैरियर होती है तो एलोपैट्रिक स्पीसीशन या सिंपेट्रिक स्पीसीशन इनकी स्टडी करके बेसिकली हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो स्पीशीज के मेंबर या जो डिफरेंट पॉपुलेशन है इनका पास के अंदर कोई रिलेशन था या नहीं आ, आया के ये जो इंडिपेंडेंट स्पीशीज हैं ये शुरू से ही इंडिपेंडेंट स्पीशीज हैं या फिर किसी एक कॉमन स्पीशीज से ये इवॉल्व हुई हैं तो जो जोग्राफिकल करेक्टर्स हैं जोग्राफिकल करैक्टर्स को हम यूज़ करके हम स्पीशीज के पास्ट हिस्ट्री के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं और इन करेक्टर्स को स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं